नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल ड्रीम इलेवन टीम से, जहां मैं आप लोगों को ड्रीम इलेवन की टीमें और अपडेट्स देता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने क्रिकेट सेक्शन के लिए बनाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला और पीआर का मैच है, तो इस मैच की डेडलाइन अभी भी 1 घंटे 33 मिनट बाकी हुई है। तो फिर फ्रेंड्स, ये मेरी फाइनल अपडेट की वीडियो है, तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टीमों की बात कर लें कि तो दोनों टीमों ने 9-9 मैच खेले हैं और दोनों टीमों ने 4-4 मैच विन किए हैं। नेल्सन मंडेला की टीम जो है कि तीसरे स्थान पर चल रही है, और ये वाली जो टीम है पीआर, वो चौथे स्थान पर चल रही है। दोनों के लिए ये मस्ट विन गेम है। अगर जो टीम नॉकआउट मान के बोल सकते हैं, नॉकआउट गेम है, और दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो मतलब कि सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर लेगी फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड्स, अब इस टीम में मैं आप लोगों को मतलब कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जो फाइनल अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो फिर यहाँ पे हमारे पास विकेट कीपिंग में दो ऑप्शन हैं। रूडी सेकंड सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि उन दो में से देखा जा रहा है कि वो वन डाउन आ रहे हैं और लगभग 30-40 रन बना के जा रहे हैं। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास कुछ न्यूज़ मिली है, जैसे कि हेनरी डेविस ये मैच नहीं खेलने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हेनरी डेविस को बिल्कुल ना लें, और अभी भी ये इंजर्ड है। अगर बाई चांस अगर लक ख़राब होता है तभी हेनरी डेविस खेल पाएंगे, और फिर यहाँ पे बेन फॉर्च्यून का जैसे कि चांसेस हो रहे हैं कि बेन फॉर्च्यून खेल सकते हैं, एक मैच खेलते हैं एक मैच नहीं खेलते हैं, तो फिर इनके मतलब कि टीम मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी। और फिर जैसे कि बात कर लेते हैं इमरान ताहिर और त्रिवास सामसी, दोनों ही फ्रेंड्स खेलने वाले हैं। और यहाँ पर डैन पैटरसन को मैंने लिया है, एस मंगल को लिया है मैंने, और ये इन बॉलर को लिया जो पिछले मैच में पहला मैच खेला था इन्होंने और 3 विकेट जड़ दिए थे। और फिर जहाँ तक बैटिंग की बात करें, तो फाफ डोप्लेसी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लगभग सेकंड डाउन आते हैं बैटिंग करने के लिए। यहाँ पे आप चाह सकते हैं डेलपोर्ट को भी ले सकते हैं, हेंचकुन को भी ले सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे मकरम के साथ जाऊँगा और बैन डकट के साथ जाऊँगा। जहाँ तक ऑलराउंड सेक्शन में बात करें, डैन ब्रावो, जे स्मिथ और थैमसन ने पिछले मैच में 67 रन का समथिंग स्कोर किया था और बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। आप रियान मैकेन को भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। क्रिस मॉरिस भी आपके पास सेफ ऑप्शन है, जो फिर मैंने प्लेइंग 11 की टीम बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी प्रोबेबल 11 की टीम है। यहाँ पे आप चाहें तो जे स्मिथ को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ग्रैंड लीग में जैसन रॉय भी आप लोगों के लिए सही ऑप्शन रहेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ये सारी न्यूज़ आपके दोस्त भी जान पाएँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।